नमस्कार दोस्तों, और एक नया चश्मा का वीडियो में आपका स्वागत है। व्हाइट हार्डकोर प्लास्टिक का जो प्रोग्रेसिव लेंस है दोस्तों, मार्केट में 1000 रुपये में भी मिल जाता है और 2000 रुपये में भी मिल जाता है। ब्रेन अगर थोड़ा सा अलग होता है तो 100-200 रुपया कम ज़्यादा भी हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस रहा, पावर कितना होने से आपको 1000 रुपये में मिलेगा, तो आपको हम इस वीडियो में बोल दे रहे हैं। आप अगर लेता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। जो 1000 रुपये वाला प्रोग्रेसिव लेंस है दोस्तों, आपका पावर जो है रेडी पावर होना पड़ेगा, स्टॉक पावर। और जो 2000 रुपये वाला प्रोग्रेसिव लेंस व्हाइट प्लास्टिक लेंस, उसमें आपका पावर RX पावर होने से तभी 2000 या 2200, ऐसा 100-200 डिफरेंस हो सकता है। दोनों पावर को हम स्क्रीन में आपको दिखा दे रहे हैं, स्टॉक पावर और RX पावर। दोनों लेंस का जो फोकल जो विजन रहता है, डिस्टेंस मिडिल, दोनों में उतना कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। खाली पावर अलग है बोल के इसके लिए प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आपको फर्स्ट टाइम डबल पावर लग गया, आप नथिंग में देखने के लिए आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपको अगर कमती दाम में चाहिए तो आप लेके एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। कमती दाम वाला जो प्रोग्रेसिव लेंस रहता है, उसका जो विजन रहता है फोकल ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप चश्मा को पहन के कोई भी चीज़ अगर देखता है तो आपको स्टेप देखना पड़ेगा, आपको राइट लेफ्ट घुमा के साइड से आप देखने नहीं सकेगा, आपको विजन क्लियर नहीं मिलेगा। उसका जो फोकल का लेंथ रहता है, आपको डिस्टेंस में 22 से या 20 mm इतना लेंथ मिलेगा, और नियर में मिडिल में 16-18 ऐसा लेंथ मिलेगा। और प्रोग्रेसिव लेंस का जो फोकल रहता है दोस्तों, डिस्टेंस मिडिल नियर बाहर से दिखाई नहीं देता है, और लेंस में कोई वाटर मार्क भी नहीं रहता है। खाली 1000 रुपया वाला और 2000 रुपया में यही फ़र्क रहता है दोस्तों, खाली पावर का। दोनों लेंस का क्वालिटी में भी आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। और आपको एक फ़ोटो स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, प्रोग्रेसिव लेंस सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही रहता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है। साइड में लेंस का ब्लर सा रहता है, इसका लेंथ जितना बड़ा होता है विजन का, उतना लेंस सबका अलग अलग ब्रांड का हिसाब से दोस्तों प्राइस सब अलग होता है। फर्स्ट टाइम अगर आपको कम दाम में प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ करना है, आप अगर उतना लैपटॉप यूज़ नहीं करता है, ड्राइविंग उतना नहीं करता है, तो आप एक बार लेके ट्राई करके देख सकते हैं। और थोड़ा स्टैंडर्ड कैटेगरी में लेने जाने से दोस्तों ऐसा प्रोग्रेसिव लेंस, तो मोटा मोटी आपको 3000 का ऊपर में लेना पड़ेगा। ब्रेन अगर अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है प्राइस का, 100-200 का। व्हाइट हार्डकोर प्रोग्रेसिव लेंस का प्राइस बोला है दोस्तों, आपका एरिया का हिसाब से 100-200 प्राइस का डिफरेंस भी हो सकता है। और आप अगर एंटी रिफ्लेक्शन ब्लू का फोटोक्रोमेटिक लेता है तो उसका प्राइस अलग होगा दोस्तों। आप अगर लेता है तो अच्छा से देख के ले लीजिएगा, और कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दोस्त समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मेरा चैनल में अलग अलग ब्रांड का फ्रेम लेंस का प्राइस का वीडियो देते रहता है, कौन सा ब्रांड में कितना टाइप का लेंस मिलता है हम बोल देता है दोस्तों।